चर्चा पहले हम लोगों ने निषाद एम्पोरियो वाली ब्रांच पे हाइडी का एक व्लॉग किया था। कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे कि उनको हाइडी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, तो उसके बाद हमने सोचा है कि हम हाइडी की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। लाहौर में जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पे हाइडी पे जाते हैं, फिर उसका एक कंपेरिजन करते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को, ये हम निषाद एम्पोरियम वाली ब्रांच से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पर्सनली आई लाइक इट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी जितनी भी लाहौर में फेमस प्लेसेस जो है जहाँ पे हाइडी ऑफर हो रही है हम वो विजिट करेंगे, उसके रिव्यूज आपसे शेयर करेंगे, कस्टमर से भी उनका फीडबैक लेंगे और उसके बाद हम उसका कंपैरिजन करेंगे। आज हमें कुछ हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो कि यूके से आए हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। निषाद से स्टार्ट करने की रीज़न ही ये है कि वो विलिंग थे कि पहले हम निषाद पे जाके हाइटी लें। मेरा नाम रियाना है, मैं पाकिस्तान का फूड अच्छा लगता है। आज हम निषाद होते जा रहे खाना के। एंट्रेंस जो है निषाद होटल की वो गेट नंबर 5 से है। ओवरऑल एम्बियंस और सीटिंग अरेंजमेंट्स बहुत ही परफेक्ट हैं। आप फैमिली के साथ हों या फ्रेंड्स के साथ हों, बहुत ही कंफर्टेबली बैठ के फूड को एंजॉय कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं और प्राइवेसी को भी इंश्योर कर सकते हैं क्योंकि टेबल बहुत करीब करीब नहीं होते हैं। इसके अलावा आउटसाइड वॉल पे बहुत ही लॉन्ग एक ग्लास की विंडो है, उससे आप बाहर का बहुत ही खूबसूरत जो है व्यू इंजॉय कर सकते हैं। हाई टी की टाइमिंग्स चूँकि 3-2 स्लॉट्स होती हैं, 3 से 4:30 और 5 से 6:30 जो कि सनसेट का भी टाइम है, तो उस टाइम बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत होता है। मेन्यू यहाँ का बहुत ही वर्सटाइल होता है, बच्चे हों बड़े बुज़ुर्ग सबको अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ ना कुछ मिल जाता है और मेन्यू डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स में जूसेस होते हैं और इसमें हमेशा 2 फ्लेवर होते हैं, एक जो लेमन फ्लेवर है वो कांस्टेंट होता है, सेकंड फ्लेवर चेंज होता रहता है, लेकिन जिस समर की वजह से आजकल इनका ओवरऑल थीम जो है मैंगो है, तो सेकंड फ्लेवर आजकल ये मैंगो ऑफर कर रहे हैं। स्टार्टर में सूप की ऑप्शन होती है, अगर विंटर हो तो उसमें 2 फ्लेवर होते हैं और अगर समर हो तो उसमें 1 फ्लेवर। जी फ्रेंड्स, ये राउंड आपके लिए बहुत ही माउथ वाटरिंग होगा क्योंकि उसमें मेन कोर्स में जितनी भी डिशेस हैं वो सारी आपको चेक करवाते हैं। आज के मेन्यू में चिकन विंग्स हैं, ये भी बहुत मज़े के होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा इनके चिकन जिंगर पसंद हैं। वो जिस दिन उस दिन तो मज़ा ही आ जाता है, वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। पिज्ज़ा की क्रस्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत थिक नहीं होती, इस वजह से बच्चे इसको बहुत ही लाइक करते हैं। आज के मेन्यू में फ्राइज़ की जगह चीज़ वेजेस हैं। बारबेक्यू में जो चिकन कबाब हैं वो तो डेली अवेलेबल होते हैं, अलबत्ता जो चिकन बोटी है वो चेंज होती रहती है, कभी अफ़गानी बोटी या चिकन टिक्का होता है। क्योंकि मेन्यू यहाँ का वर्सटाइल है, चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे,
तो टेस्ट और क्वालिटी तो ऑल दो कंसिस्टेंट होती है। आज के मेन्यू की जो स्पेशलिटी है दो चीज़ें हैं, उसमें चिकन हनी विंग्स हैं और चिकन मलाई रोटी है। जैसे कि ये हनी विंग्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं और जूसी हैं और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। मीडियम स्पाइस हैं, थोड़े थोड़े मीठे हैं लिबास के। सैलड्स में फ्रूट्स, मैक्रोनीस और बीन सैलड्स की मुख्तलिफ वैरायटी अवेलेबल होती है और बहुत ही फ्रेश बने होते हैं और टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। वाह जी वाह, स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए तो खास ही एहतमाम है। दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, चना चाट और मुख्तलिफ किस्म की मज़े मज़े की खट्टी और मीठी सॉसेस। समोसे बहुत ही क्रिस्पी हैं और टेस्ट भी बहुत मज़े का है और गोलगप्पे स्पेशल हमें बना के सर्व किए गए हैं। इसके ऊपर सारी जो गोलगप्पे वाली सॉसेस डाली गई हैं, इसमें खट्टी भी है, मीठी भी है, पुदीने वाली भी और योगर्ट भी है, इस वजह से बहुत ही मज़े के हैं। पास्ता लवर्स के लिए लाइव पास्ता मेकिंग। कैप्सिकम, मशरूम्स एंड ऑलिव्स ये पास्ता में यूज़ करते हैं। लीजिए, हाइडी का सबसे डिलीशियस और माउथ वाटरिंग राउंड अब स्टार्ट होता है, वो है डिज़र्ट्स। डिज़र्ट मेन्यू में रिसेंटली जो चीज़ उन्होंने ऐड की है वो चॉकलेट फाउंटेन है। बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होती है।
में ये बेसन वाला हलवा है और गरम गुलाब जामुन है, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड होते हैं। इसके अलावा ये जो है रॉयल फालूदा, देखे इन्होंने तो जनाब दो प्लेट्स चॉकलेट फाउंटेन की खाई हैं। शॉर्ट साहब को किचन का विजिट करवाते हैं बाहर से ही, यहाँ से इनका हाइजीन लेवल चेक कीजिए आप। कुछ सिटिंग एरिया ये देखें पार्टीशन करके इन्होंने सेपरेट किया हुआ है, ये अगर आपका कोई इवेंट है बर्थडे के लिए आपका और कोई फैमिली इवेंट है 25-30 पर्संस के लिए, तो आप प्राइवेसी के साथ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं और इनसे थोड़ी डेकोरेशन भी करवा सकते हैं इवेंट के अकॉर्डिंगली।